हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज मैं और मेरी प्यारी सी देवरानी जी, हम लोग जा रहे हैं रानीखेत। और हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग सिलाई का सामान लेने जा रहे हैं और दिखाएंगे आप लोगों को आगे कि वहाँ की बाज़ार कैसी है और हमने क्या क्या सामान लिया, वो भी दिखाएंगे। तो चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हमें याद आया था व्लॉग भी बनाना है, इसलिए हमने रास्ते में वीडियो शूट किया था। पूजा ने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे, स्कूटी। अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे क्योंकि बाजार में बहुत भीड़ होती है रानीखेत का। रामनगर आ, रामनगर, रामनगर भतराज खान। देखो कितना सुंदर है, वाह। चले हेलो दोस्तों, तो हम लोग अभी आ चुके हैं इस दुकान पे। यहाँ पे हम लोग कुर्ती खरीद रहे थे। सावरिया नाम है इस दुकान का और ये है रानीखेत में। ये कौन सी लोकेशन का है? लोकेशन क्या है? ये गांधी चौक, हाँ, तिवारी पेट्रोल पंप के सामने। हाँ, ये तिवारी पेट्रोल पंप है जो, उसके सामने ही दुकान है। बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा सामान है यहाँ पे, क्वालिटी बहुत अच्छी है और रेट भी ठीक लगा देंगे मैडम लोग आपको तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। और आज हमने यहाँ पे लिए हैं दो कुर्तियाँ। कौन सी हैं? ये है, एक कुर्ती हमने ये लिया और एक ये लिया। बहुत सुंदर है। क्या चीज़ भैया? सौ घर वाले और धागा भी दे दीजिए, जोड़ा देखा था इसको। इसको क्या बोलते हैं भैया? ये किन्ने का था? अड्डा है, कढ़ाई का। दिखाओ। अच्छा, एमएच कुछ का है इसको। अच्छा, 3200 का। और एक बड़ी साइज देखना, बड़ा साइज। अरे वो आशु भगत को तो जानते हो, मन के तरह। हाँ हाँ हमारे दरवाजे के। हाँ 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 लिखा तो है, भगत सिलाई मशीन स्टोर। दरवाजे पर ठहरा विजय हो गया, टेंट का काम तो करते हैं। ये है हमारी सिलाई। ये क्या है? पायदान। पायदान तो यहाँ से हमने लिया है पायदान। ये उषा का पायदान और ये हमने लिया है भगत सिलाई मशीन स्टोर से। ये अंकल yes. तो दोस्तों हमने सारा सामान ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये है पूजा और ये हूँ मैं और ये है मेरा हेलमेट और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। जो हमने सिलाई मशीन के लिए पायदान लिया था वो हमने गाड़ी में रखवा दिया है और वो गाड़ी देखते हैं हमसे पहले पहुँच जाएगी तो।
कोई उतरवा लेगा उसको, नहीं तो हम ही उतरवा लेंगे। तो मिलते हैं घर पे, बाय बाय। दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं और गौतम बहुत गुस्सा है क्योंकि हम उसको अपने साथ नहीं ले गए थे। ये देखिए गौतम कितना गुस्सा है। आप गुस्सा हो? मैं नहीं आ रही। अरे नहीं आ रही, चलो ठीक है फिर। गौतम का सोने का टाइम हो गया है, तो आज का व्लॉग यहीं पे हम समाप्त करते हैं।